दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है जिसका सभी लोग उत्सुकता से इंतजार करते हैं। मुक्ता डांस एंड फिटनेस एकेडमी ने द्वारका के गोकुल गार्डन सेक्टर 7 में एक बॉलीवुड डांडिया नाइट का आयोजन किया है, जिसमें द्वारका के आसपास में रहने वाले लोग, महिलाओं और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इनको डांडिया नाइट का बहुत उत्सुकता से इंतजार रहता है। यहाँ पर आए कपल्स ने गेम भी खेला और खुद को इंटरटेन किया। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो डांडिया नाइट को लेकर के कितना एक्साइटेड हैं। हम लोग 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं और बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। और हमारी मुक्ता है जो डांस एकेडमी फिटनेस से है, तो उसी से हम लोग डांडिया के लिए बहुत बहुत ही एक्साइटेड है। पॉकेट सेक्टर 9 पॉकेट 2 से हैं हम, तो हर साल आते हैं यहाँ पे डांडिया करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रजनी है, मैं द्वारका सेक्टर 9 से आई हूँ और मुक्ता जी के साथ हम लोग काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। हर साल वो डांडिया करवाती हैं और हम बहुत एक्साइटेड होकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल भी हमने बहुत तैयारी की है, बहुत एक्साइटेड है और हमने 10-15 दिन से इसके लिए तैयारी की है। कपड़े लत्ते गहने ज्वेलरी डांस, हमने डांस का आइटम भी तैयार किया है। अभी हम स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं, उड़ी उड़ी सॉन्ग पे करेंगे और राधे राधे पे करेंगे। मेरा नाम अनीता है और मैं भी बहुत दिनों से जुड़ी हुई मुक्ता के साथ डांस में। हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं डांस के लिए बस, और अभी एक्साइटमेंट। हाँ, एक ही नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। मेरा नाम सुष्मिता है और मैं यही हैप्पी होम सोसाइटी में रहती हूँ, सेक्टर 7 में। तो डांडिया एक्चुअली यहाँ पे मैम हर साल करती हैं, तो हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, मतलब वेट करते हैं कि होगा। और मतलब एक्साइटमेंट अभी 1-2 महीने से हम लोग पूरी तैयारी में लगे रहते हैं कि नवरात्र आएंगे और हम लोग करेंगे, तो बहुत मजा आता है यहाँ पे। और मैम बहुत अच्छे से, मुक्ता मैम, एक्चुअली मैं उनकी फिटनेस क्लासेस में जाती हूँ, वो बहुत अच्छे से अरेंज करती हैं सब कुछ। मेरा नाम विकास है और मैं सुष्मिता का हस्बैंड हूँ। मेरे लिए पहली बार है जब मैं यहाँ आया हूँ एंड माहौल काफी अच्छा है। हाँ, और मेरे लिए पहली बार डांडिया भी है एक्चुअली। मैं नॉर्मली डांडिया वगैरह में जाता नहीं हूँ और तो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज मुझे डांडिया करना आता नहीं है, बट थोड़ा बहुत डांस मूव आता है। नहीं, मैं बहुत इम्प्रॉम्प्टू वाला इंसान हूँ, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता इन सब चीजों के लिए, क्योंकि मस्ती माहौल जो होता है वो उसमें आप इम्प्रॉम्प्टू ही जो करें वो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, और क्या, देखेंगे क्या करते हैं उसके हिसाब से शायद एक आध डांस स्टेप हम खुद भी कर लें। चित्मयी शर्मा, डांडिया को लेकर कैसा एक्साइटमेंट है? डांडिया को लेकर काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आए हम। हाँ जी, डांडिया के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, देख के कर लेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा। वेरी एक्साइटेड। मैं मुक्ता डांस एकेडमी में हूँ और द्वारका में ही रहती हूँ एंड वी वर सुपर एक्साइटेड। और हमने पूरी प्रिपरेशन किया, डांडा की प्रैक्टिस भी करी है वहाँ पे और खूब एक्साइटेड थे हम लोग आज यहाँ आने के लिए एंड वी आर हैविंग अ गुड टाइम। हम लोगों ने सारे गानों पे करी है, सो एनी गाना चला दो हम लोग रेडी है आज करने के लिए, पहले से प्रैक्टिस कर रखी है। हमें हमारी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था एंड हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम ऑल द वे फ्रॉम हरिनगर आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एंड सेम लाइक द हर, एनी सॉन्ग वी कैन डांस होल नाइट। यस, थैंक यू, फुल मस्ती। यस, धन्यवाद। वी आई एम टू सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म टूडे। वी हैव कम फ्रॉम हरिनगर ऑल द वे, मैम ने बताया हमें, सो वी सेड यस, वी ऑल आर रेडी एंड आई कैन ऑल्सो डांस ऑन एनी सॉन्ग विच यू प्ले। धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति पांडे और डांडिया की तैयारी एक्चुअली 1 महीने से चल रही है। आई एम सो एक्साइटेड, एक्चुअली आई एम नॉट, वी आर एक्साइटेड। तो एक्चुअली मुक्ता मैम इतना अच्छा सिखाती है तो हमने भी सोचा चलो कर ही लूँ। हम लोग द्वारका से डीडीओ पॉकेट 1 से ही आते हैं, तो अब मेरी बेटी भी है, वो भी डांस परफॉर्मेंस में है, उसकी भी परफॉर्मेंस है, वो उड़ी उड़ी जाए, हम लोग भी कर रहे हैं उस पे स्टेज पे, तो बस एक्साइटमेंट में
चलो देखते हैं जो हो जाए। मेरा नाम आरती निगम है और मैं सेक्टर 9 पॉकेट 1 में ही रहती हूँ और वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डांडिया नाइट फॉर लास्ट 1 मंथ। वी बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्यूट लवली सॉन्ग्स ऑफ डांडिया एज एंड व्हेन वी गेट टाइम। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस शो। थैंक यू। मेरा नाम सिया अमला है। मैं आई हूँ यहाँ पे वसंत कुंज से यहाँ पे स्पेशली देखने बिकॉज आई मेरी कजिन के साथ आई हूँ। मेरी कजिन की टीचर मुक्ता मैम ने ये वो सब करवाया है। मेरी सिस्टर की आज परफॉर्मेंस भी है। मेरा नाम सुहानी है और बॉलीवुड डांडिया नाइट जो कि मुक्ता मैम ने किया है वो एक बहुत अच्छा मीडियम है अपना डांडिया वगैरह दिखाने का। आई लाइक इट। Myself Kanupriya Sharma and I'm here basically to enjoy Dandiya Ras and its event is conducted by Mukta. मैं उनके पास जुम्बा सीखने जाती थी तो she invited me and I'm very excited for this event to start and I'm very excited for this event. I wanted to perform on Chogada Thara today and I love to see this event. Thank you. गुड इवनिंग। हम लोग हैप्पी होम अपार्टमेंट से हैं। हम डांडिया नाइट की बहुत ईगली वेट करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। ये डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस है और हम विश करते हैं कि हर साल आएं और हर साल एंजॉय करके जाएं। मैं मीना कटोरिया हैप्पी होम अपार्टमेंट से हूँ, मुक्ता डांस एंड फिटनेस अकेडमी की मेंबर हूँ और अपने सारे दोस्तों के साथ आई हूँ डांडिया नाइट के लिए। लास्ट ईयर भी हमने किया था, इन्हीं दोस्तों के साथ आई थी और पूरे साल ये दोस्त मेरे वेट कर रहे हैं फिर से कब हमें डांडिया नाइट पे जाने को मिलेगा। सो हम बहुत एक्साइटेड हैं। मेरा नाम सीमा मल्होत्रा है और मैं हैप्पी होम अपार्टमेंट। हमें साल भर से ही इंतजार रहता है इस डांडिया नाइट का क्योंकि हम इसमें बहुत एंजॉय करते हैं सारे फ्रेंड्स मिलकर। मेरा नाम जॉली है, मैं सेक्टर 7 हैप्पी होम में रहती हूँ और हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है क्योंकि पिछले साल भी हमने मुक्ता के ही डांडिया का अटेंड किया था, बहुत मजा आया था और अभी भी हमने 15 दिन से तैयारी करनी शुरू कर दी थी और मतलब हम बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। थैंक यू। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बनें। डांडिया नाइट करवाने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस ऑलवेज मेरा अच्छा ही रहा है। दिस इज 5th ईयर मुक्ता डांस एंड फिटनेस अकेडमी सेलिब्रेटिंग डांडिया एंड दिस टाइम आई मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला जिसमें 600 की गैदरिंग है यहाँ पर। लास्ट ईयर भी हमने किया था 400-450 था बट दिस टाइम वाज मतलब 15 डेज में वी आर सोल्ड आउट। तो ये एक्सपीरियंस हमारा डे बाय डे बहुत अच्छा ही जा रहा है और द्वारका में मुझे लगता है लोग ज्यादा एक्टिव हो गए हैं पार्टिसिपेशन को लेके। मैम शायद आपने प्रैक्टिस भी करवाया था इन लोगों को, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा और पिछले साल के अपेक्षा इस साल आपने कुछ नया क्या करवाया है? हाँ जी, इस बार हम लोगों ने प्रैक्टिस, पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करवाती थी, लोग लाइव कोरियो पे ही ज्यादा जाते थे। नाउ दिस टाइम एकेडमी में 4 डेज का रेगुलर क्लासेस चली, डांडिया भांगड़ा लोगों ने लर्न किया एंड उसके बाद आज ये ज्यादा मुझे लगता है परफेक्शन के साथ डांस करेंगे। इनको डांडिया की रिदम पता है, हमें कैसे डांडिया करना है, कैसे गरबा खेलना है, तो एक जो ट्रेडिशनल गरबा होता है, ट्रेडिशनल डांडिया होता है, आज ये लोग वो फॉलो करेंगे और वही एकेडमी का मोटिव है कि जो कल्चर है इंडिया का वो निकल के आए बाहर। ऑलवेज डिस्को डांडिया मतलब डिस्को पे डांस कल्चर पता चलना चाहिए लोगों को। जैसा कि आपने लोगों से सुना डांडिया नाइट को लेकर कितना उत्सुक है और इस मौके पर इन्होंने DID की सेकेंड रनर अप रही दीपाश्री बनर्जी को भी बुलाया है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका अभी तक का सफर कैसा रहा। जी बेसिकली डांडिया तो सबको पता है कि गुजरात का बहुत ही फेमस फोक डांस है, ठीक है, उसको अभी बहुत तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है, लोग इंजॉय करते हैं। एक्चुअली अगर मैं फोक को उठाऊँ तो डांडिया एक कल्चर को प्रेजेंट करता है, जैसे क्योंकि सबको पता है कि ब्यूटीफुल कलर से कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ब्राइट कलर्स पहनते हैं, बैंगल्स एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरीज, ठीक है। सो वो सारा थीम जो है अभी ट्रेडिशनल और ज़्यादा आई थिंक आगे बढ़ चुका है। लेडीज़ इवन बच्चे मैरिड इवन आंटियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इस डे का वेट करती हैं कि किस कभी अब ये हो दशहरा और हम डांडिया प्ले करें, तो ये क्लिक एक फन हो गया है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कलर्स मुझे दिखता है यहाँ पर
सब अपने खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस और स्पेस फेस पे एक बहुत अच्छी वाली स्माइल होता है। एक्चुअली मैं जब 3 साल की थी तो मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पर, और मुझे याद है कि उस टाइम पर इतनी ट्रेनिंग नहीं होती थी और बस चित्रहार आया करता था टीवी पे, तो मैं चित्रहार के सॉन्ग सुनती थी और मैं डांस करती थी। मुझे पता नहीं था रिदम सेंस, ताल, बीट, मुझे पता नहीं था, बस मैं नाचती थी और कभी किचन में, कभी बाहर, कभी गार्डन में, ऐसे मैं डांस करती थी। और मेरे पापा कहते थे कि ये लड़की मेरी ना बहुत अच्छा एक दिन डांस करेगी। मम्मा कहते थे कि पता नहीं तुम क्या करते हो, क्या बोलते हो, इसको पढ़ने दो। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन मैं बड़ी होती गई एंड मैंने अपने जितने भी आसपास में जितने भी शोज होते थे मैंने सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी और मैं हर जगह से फर्स्ट प्राइज लेके आती थी। मैं 4 ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड स्टिल मेरा वो पैशन बन गया, मतलब मेरी वो लाइफ में मेरा प्रोफेशन बन गया। पहले मेरा पैशन था, शौकिया तौर पर मैं डांस करती थी, बट एक मोमेंट ऐसा आया मेरे लाइफ का जब मुझे लगता था कि लगा कि अब डांस ही है जिसको करके मुझे आगे बढ़ना है। तब मैंने इसको अपने प्रोफेशन में मैं लाई एंड ईश्वर की, परमात्मा की बहुत मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि आज मुझे इंडिया से लोग जानते हैं। मैंने 2015 में मैं DIT सुपर मॉम की सेकेंड रनर अप बनी, 2017 में मैंने एक शो किया बिग मेम साहब, उसकी मैं विनर बनी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसको मैंने जज किया, मैं डांस प्लस 3 में स्पेशल गेस्ट अपेयरेंस में मैं गई एंड बस ये सिलसिला चलता आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, अच्छे लोगों के साथ जुड़ूं और जितना शिक्षा मुझ में है मैं वो आगे बांट सकूं। धन्यवाद।